जिला अस्पताल में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए कोविड-19 के सैंपल बाड़मेर शहर के 3 स्थान टाउन हॉल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महावीर नगर और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विष्णु कॉलोनी में लेने शुरू किए, लेकिन इन जगहों पर फैली अव्यवस्थाओं से अब संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ सैंपलिंग के दौरान काम आने वाले VTM किट, PPE किट और अन्य बायोवेस्ट खुले में ही फेंक दिए जाते हैं। यहाँ लगे कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ से बायोवेस्ट हटाने का जिम्मा नगर परिषद का है, लेकिन वो समय पर ये कचरा उठाते नहीं है। सरहदी बाड़मेर में कोरोना के संक्रमण के 3,751 व्यक्ति बीमार हैं। शुक्रवार को आई पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट में गुरुवार की बनिस्पत राहत वाली खबर यह रही कि 64 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए और नए संक्रमित व्यक्ति 505 के बजाय 411 मिले हैं। शहर के 3 अलग अलग जगहों पर कोविड-19 के सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। इन कोविड-19 सैंपलिंग सेंटर पर लोगों के कोविड-19 सैंपलिंग के कार्य में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोविड-19 सैंपल कर रहे हैं। वहीं शहर के 3 कोविड-19 सैंपल सेंटर में से एक भगवान महावीर टाउन हॉल में बाड़मेर शहर की सरकार द्वारा साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भगवान महावीर टाउन हॉल बाड़मेर में गुरुवार को कोविड-19 सैंपलिंग करने के बाद अपने घरों से शुक्रवार को लौटी सैंपलिंग टीम को कोविड-19 ग्लव्स, मास्क, PPE किट, नीडल्स और सर्जिकल मास्क उसी जगह पर कचरे के ढेर में पड़े मिले। वजह साफ थी, ना तो शहर की सरकार की नगर परिषद के कर्मियों ने यहां झाड़ू लगाया और ना ही साफ सफाई की। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रही मेडिकल टीम और लोगों में से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में शुक्रवार को थोड़ी दूरी पर उन्होंने सैंपलिंग का कार्य शुरू किया। शहर की सरकार द्वारा इस जगह की साफ सफाई नहीं किए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों में रोष नजर आया। ये बोस फोन करते हैं तब आते हैं सफाई कर्मचारी, उसके बाद 3-4 बार फोन किया, अभी तक कोई बोस आया है नहीं, इसलिए हम तो डर के मारे थोड़ा इधर के बैठ के क्या करें। सके में फैलने का खतरा हुए थे, वैसे कर्मचारी पहले नियुक्त किया था, मतलब 80 नंबर था, वो डेली सुबह समय पर सब साफ होती थी। अब यहाँ पर हम 2 दिन से आ रहे हैं, कल भी उसको फोन रिप्लाई था, वो लेट आया था और आज अभी तक तो बंदा आया है नहीं। तो इस तरह से कचरा फैला हुआ, हम संक्रमण से हम खुद मारे जाएंगे। आज हमें 14 महीने हो गए हैं, अभी तक हमें को सर्दी खांसी जुकाम कर कुछ भी नहीं हुआ है। अगर इस तरह से हम कचरे के ऊपर खड़े रहकर काम करेंगे तो हमारा मरना निश्चित है। एक तरफ जहां देश भर की तरह बाड़मेर में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी सैंपलिंग की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाकर सुपर स्प्रेडर को काबू में करने में जुटी है, लेकिन इस बात की अव्यवस्था सही मामले में सवाल खड़े करती है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के काम को सुरक्षा कवच नहीं दिया जा सकता तो आम आदमी का क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।